भारत ने शनिवार को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सफलतापूर्वक हुई लॉन्चिंग के बाद देश के वैज्ञानिकों के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। इस कामयाबी में उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान का अहम योगदान है। आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने वाली टीम को लीड किया था उज्जैन के अकाब रजा खान ने। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य L1 बनकर तैयार किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतार कर इतिहास रचा। उत्साह से लवरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, लेकिन मिशन सूर्य में से अहम हिस्सा रहे उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान ने न सिर्फ उज्जैन शहर का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। अकाब के पिता आर.यू. खान ने बताया कि आदित्य L1 मिशन के लिए 4 वर्षों तक अकाब ने मेहनत की है। वे आदित्य L1 की डिवाइस बनाने वाली टीम को लीड कर रहे थे। आज सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद पूरे शहर का नाम अकाब ने रोशन कर दिया। आदित्य L1 सैटेलाइट को बनाने में मुख्य भूमिका उज्जैन शहर के रहने वाले 32 वर्षीय डॉक्टर अकाब रजा खान ने शुरू से ही स्पेस रिसर्च में रुचि होने के चलते डॉक्टर खान ने NIT भोपाल यूनिवर्सिटी से B.Tech किया। इसके बाद में शोध कार्य के लिए पुणे गए। यहीं पर उन्होंने आदित्य L1 बनाने का कार्य मिला, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। अकाब रजा खान फिलहाल अमेरिका में है। भारत ने शनिवार को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। सफलतापूर्वक हुई लॉन्चिंग के बाद देश के वैज्ञानिकों के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। इस कामयाबी में उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान की अहम योगदान है। आदित्य L1 की डिवाइस को डिजाइन करने वाली टीम को लीड किया था उज्जैन के अकाब रजा खान ने। आदित्य L1 का डिवाइस डिजाइनर बेटा हमारा, उसमें हेड रोल था उसका, बाकी उसके मेंबर्स और भी हैं, है ना। और उन्हें जो ये सारा प्रोजेक्ट बनाया है आयुका में, अभी नाम आ रहा है आप लोगों का, आयुका भी है, IIT भी है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट थे इनके। तो ये डिवाइस को डिजाइन करते, जैसे मैप बनाते नक्शा बनाते, तो उसको डिजाइनिंग करने वाला, वो भी क्या होता है 4 स्टेज में जो दिखाई देता है चलते हुए कैसे चल रहा है कैसे बैठ रहा है, वो सारी चीज़ें उसने डिजाइन की है। तो उसको इतना शौक था कि आसमान में कौन सा तारा कितना डिस्टेंस में, वो 7 क्लास बता दिया करते थे। तो हमारी संस्था भी यही थी, ब्राह्मण जो है उसका नाम भी इसी के लिए है, SN गुप्ता सर उसके डायरेक्टर हैं, और उसी संस्था से उसने प्रेरणा लेके इस रास्ते पे चला है। वो पिछले CS में, उससे पहले 2004 वाले CS में हम लोगों ने साइंस में एग्जीबिशन लगाया था, और यहाँ पे कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर बंसल को हमने बुलाया था यहाँ पे। कीर्ति मंदिर जो है उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था कलेक्टर के थ्रू, जिसमें NASA ये जो मंगल ग्रह गया था उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण हमने वहाँ पे किया था। तो वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, क्यूज़ भी करता है, वो क्यूज़ कराता है स्पेस पे, और अलग अलग स्कूलों में जाके उन्होंने क्यूज़ कराई है। वहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होते थे उनको बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी में ले जाना उसका एक मतलब शौक रहा शुरू से ही। सबसे लोएस्ट कॉस्ट में टेलीस्कोप बनाना उसका भी, उसमें भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ऐसे वो जो शुरुआत में जब प्रोफेसर SN गुप्ता सर के टच में आया तो उसके दिमाग में हमेशा आया कि वो एक साइंटिस्ट बनेगा और स्पेस के लिए काम करेगा। कैसा लग रहा आपको आज? ये तो उज्जैन के लिए क्या सर, इसलिए दुनिया के लिए गर्व आते हैं। उज्जैन जैसे हम लोग बोलते हैं महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, पर्यटक की नगरी नाम से आता है, ऐतिहासिक नगरी के नाम से आता है, और आज के डेट में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जाना जाएगा कि यहाँ पे वैज्ञानिक भी होते हैं। हम तो बिल्कुल महाकाल के पास ही रहते हैं, जब भी नया गेट जो बन रहा है महाकाल, उसके पास में हमारा गेट घर है, ठीक है। तो शुरू से महाकाल के वहाँ अंदर मंदिर में मतलब आराम से जाया करते थे आप लोग, बड़े छोटे हैं मतलब बड़े छोटे हैं मेरे से, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना आराम से वहाँ अंदर मंदिर में जाया करता हूँ। आज भी हम लोग जाते हैं, हमारी फैमिली सब इस टाइप की नहीं है कि हम लोग कहीं मंदिरों में नहीं जाएँ, तिलक नहीं लगाएं, प्रसाद नहीं, हम सब चीज़ें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि हर जगह ईश्वर होता है, कृपा है बाबा की, बाबा का बहुत खुशी हो रही है। और मैंने खुद उसको बनाया है नर्सरी से, और आज काबिल हो गया कि वो इसरो में एक साइंटिस्ट है। और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जब उज्जैन आए थे तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि सारी दुनिया जब भर जाएगी तो तुम कहाँ दुनिया बनाओगे, तो उसका पहला क्वेश्चन था कि सर चांद पे हम नहीं दुनिया बसे, वो जब 8th क्लास में था। उसके बाद तो APJ से बहुत बात मिले, वहाँ भी गए और इसरो में, और बहुत मतलब उसका बहुत
बहुत ज्यादा मेहनत है उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए। उज्जैन नागदा तहसील के ग्राम रानी पिपलिया में भोपाल से अपने पति के साथ में रह रही कल्पना ससुर के बीमार होने पर ही अपने ससुराल आई थी। कल्पना डाबी का विवाह 2017 में रेलवे में सर्विस कर रहे जितेंद्र डाबी के साथ में हुआ था। तभी से दहेज के लोभी ससुराल वाले कल्पना को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कल्पना ने बताया कि मेरे पिता ने मेरे पति की रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहे जितेंद्र डाबी के साथ सोचकर यह शादी की थी कि मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दहेज के लोभी ससुराल वाले उस बेटी के साथ आए दिन मारपीट कर दहेज के लिए परेशान करेंगे। कल्पना ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी ननंद अनीता बाई, पति बालेश्वर यादव व सास श्यामू डाबी उसके साथ में आए दिन मारपीट करते हैं, उसे परेशान करते हैं। अभी भी उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ में मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा नागदा थाने पर की गई। सर, मेरी शादी हुई थी 2017 में, 19 नवंबर 2017 में मेरी शादी हुई सर। वो पूरी रीति रिवाज से शादी हुई सर। मेरा पति रेलवे में नौकरी करता है, मेरे पापा ने कुछ नहीं देखा, घर बाहर की लड़का नौकरी करता है, इसकी शादी अच्छे घर में हो रही है, क्या करना है, बच्ची पढ़ी लिखी है, घर बार कुछ नहीं देखा, शादी कर दी सर। शादी कर दी तो इन लोगों ने बोला कि हम अभी दहेज वहेज कुछ नहीं ले रहे। मेरे पापा दे रहे थे उस टाइम, बोले कुछ नहीं ले रहे अभी दहेज वहेज। मेरे पापा ने बोला ठीक है कुछ नहीं, मेरे पास भी लड़की है, दहेज देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। अब सर इन लोगों को लालच बढ़ गया, सास ससुर ननंद सब बोलते थे, नंदो सब, कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरे को रानी पिपलिया में रहने ही नहीं दिया, रानी पिपलिया में मेरी शादी हुई सर, वहाँ नहीं रहने दिया। मेरा पति शुरू से ही भोपाल में नौकरी कर रहा है। क्या नाम है इनका? जितेंद्र डाबी। जिन जिन ने मारपीट करी आपके साथ, इनका नाम क्या? मेरा नंदोई बालेश्वर यादव खंडोदा में रहता है, मेरी ननंद अनीता बाई, मेरी सास श्यामू बाई डाबी और पति जितेंद्र डाबी। पति जितेंद्र डाबी मेरे को अच्छे से रख रहा था, लेकिन इनके भड़कावे में आके ये मेरी एक बात भी नहीं सुनता है और हमेशा बोलता है मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, मैं इन्हीं की सुनूंगा और ये जो बोलेंगे वही करूँगा। मेरे को सर बांस से मारा उसने, मोटी बांस से डंडा था मोटा अच्छा, उससे मारा सर उसने, दौड़ा दौड़ा के लाश से घूसे से मेरे गाल पे काटा सर, यहाँ आके नीचे बहुत बुरी तरह से पीटा और पीट के मेरे को छोड़ के चला गया। मेरी सास ने भी बहुत मारा मेरे को। मायका मेरा पाली बड़ौदा है। उज्जैन में वाहन चोरी की लगातार हो रही घटना, शुक्रवार को भी घर के बाहर खड़ी प्रॉपर्टी ब्रोकर की बाइक चोरी होने की घटना सामने आ रही है। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के पास सिवान सिटी में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर मनीष भावसार की बाइक चोरी कर बदमाश ले गए। घटना का पता चलते ही सीसीटीवी खंगाला तो बाइक चोरी का पता चला, जिसके बाद थाना चिमनगंज में बाइक चोरी होने की शिकायत प्रॉपर्टी ब्रोकर भावसार द्वारा की गई। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत और जिला प्रशासन उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं उज्जैन के सहयोग से उज्जैन पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। ये मेला 1 से 6 सितंबर 2023 तक दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पुस्तक मेले में लगभग 30 जाने माने प्रकाशकों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, मालवीय, संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हजारों उत्कृष्ट पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध है। इसके अलावा सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए लोकोपयोगी विज्ञान, लोकप्रिय सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय व आत्म सम्मान, जीवन चरित, लोक संस्कृति, भारतीय एवं विश्व साहित्य जैसे विषयों पर और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहयोगी पुस्तकें भी मौजूद है। प्रतिदिन साहित्यिक, सांस्कृतिक और बच्चों के लिए अनेक कार्यशालाओं व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यास द्वारा बच्चों के लिए प्रकाशित द्विभाषी पुस्तकों के साथ साथ नई श्रृंखला इंडिया 75 में भी के मेले में उपलब्ध की जा रही, जो पाठकों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और संघर्षों से परिचित कराती है। साथ ही प्रतिष्ठित पीएम युवा योजना के तहत प्रकाशित पुस्तकें भी उपलब्ध है। मेले का समय प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित हो रहा है। मेले में प्रवेश निःशुल्क है व सभी के लिए किताबों पर न्यूनतम 10% की छूट है। इस अवसर पर लेखक, साहित्य प्रेमी, प्रकाशक और सभी पुस्तक प्रेमी सादर आमंत्रित थे।
तो पहले मैं इस बुक फेयर के विषय में बताना चाहूँगी। सो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन न्याय है, प्रमोशन ऑफ बुक्स पे काम करता है। तो हम लोग हर साल अलग अलग सिटीज़ में बुक फेयर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए आगे कहाँ कहाँ फेयर होने वाले इसमें दिया हुआ है। तो उज्जैन में हम काफ़ी साल बाद लगा रहे हैं, तो ये आप लोगों का फेयर है। और यहाँ पे 50 स्टॉल हैं जिसमें किताबें अलग अलग जगह से आई हैं, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, बॉम्बे से, नासिक से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से पुस्तकें आई हुई हैं। पुस्तकें हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मालवी, हर भाषा में है, मराठी, गुजराती, जिस भाषा में है यहाँ पे किताबें अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ, किताबों के साथ साथ, यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों के कार्यक्रम रखे हैं। सुबह 11 से 1 बजे तक बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप, ओरिगामी वर्कशॉप, फन एक्टिविटीज़, वैदिक मैथमेटिक्स, इस तरीके के एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद 4 से 6 साहित्यिक लिटरेरी सेशंस होते हैं, जिसमें साहित्यकार, ऑथर्स, लिटरेरी पर्सन्स, वो सब अलग अलग विषयों पे डिस्कशन करते हैं। और 6 से 8 सांस्कृतिक कार्यक्रम है, फोक नृत्य परफॉर्मेंसेस। सो किताबें जो हर आयु वर्ग के लिए हैं और प्रोग्राम्स जो हर इंसान के लिए हैं। तो उज्जैन में आपके लिए ये एक काइंड ऑफ वन बास्केट में ऑल फ्लावर्स है। ये तो ये पुस्तक मेला 1 से 6 सितंबर तक दशहरा मैदान में है। एंट्री फ्री है, मिनिमम 10% डिस्काउंट है किताबों पे, तो उससे ज़्यादा भी हर पब्लिशर की इच्छा के अनुसार दे सकते हैं, बट मिनिमम सब 10% डिस्काउंट हर बायर को यहाँ पे देगा। एंट्री फ्री है बिल्कुल। तो सुबह 11 से 6 दशहरा मैदान में ये लगेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर इस्कॉन मंदिर में तैयारियों का दौर जारी है। भक्त झुलाएंगे भगवान को झूला, विद्युत रोशनी से रोशन होगा मंदिर। इस्कॉन मंदिर में तैयारियां हुई पूर्ण, लाखों की संख्या में भक्त करेंगे कृष्ण भगवान के दर्शन। धार्मिक नगरी उज्जैन में यूं तो हर रोज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ विशेष महत्व है। खास बात तो यह है कि उज्जैन नगरी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। इस बार श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2 दिन पहले ही मनाया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में 6 सितंबर व गोपाल मंदिर और इस्कॉन मंदिर में 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा। ज्ञात हो कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर देवास रोड स्थित इस्कॉन मंदिर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस्कॉन मंदिर PRO राघव पंडित दास ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर्व पर 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत 6 सितंबर से होगी और समापन 8 सितंबर को होगा। खास बात तो यह है कि मंदिर में 3 दिवसीय होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। इस्कॉन के भक्तों के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि हम सब कृष्ण अनुरागी सेवक लोग हैं और इससे ज़्यादा आनंद का क्या विषय हो सकता है कि दूसरे दिन जो है प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी के दूसरे दिन। और जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म तो हो जाता है, लेकिन उनका जो उत्सव है नंद बाबा के यहाँ दूसरे दिन मनता है। तो इस प्रकार से हम जन्माष्टमी 3 दिन का उत्सव मना रहे हैं। 6 तारीख को सांस्कृतिक उत्सव होंगे, 7 तारीख को हमारे यहाँ जन्माष्टमी है। दिन भर दर्शन खुले रहेंगे, आकर्षक विद्युत सज्जा होगी, साथ ही भगवान का जो डेकोरेशन है फूलों से, पत्तियों से, बहुत सुंदर ढंग से होगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, CCTV, मेटल डिटेक्टर्स वगैरह से। और इस हेतु हमने माननीय कलेक्टर महोदय, SP साहब और कमिश्नर नगरपालिक निगम को भी सूचित किया है यथा सहयोग के लिए। और इस प्रकार से दूसरा दिन, चूँकि रात को भगवान का जन्म होता है, तो उत्सव दूसरे दिन मनाया जाता है नंद बाबा के यहाँ। तो वो उस दिन तो पूरा उपवास में निकल जाता है। शाम को 10:30 बजे अभिषेक होगा, 12 बजे महाआरती होगी, और ये जो है दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रभुपाद जी का जन्मदिन भी इसी दिन है, इसलिए उनकी महिमा का गुणगान किया जाएगा।
पूरा ये जो प्रोग्राम है ये www.mayapur.tv पे लाइव रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा रैली बड़नगर पहुंची, वहां पर अपार भीड़ के साथ भीम सिंह पवार ने भव्य स्वागत किया। साथ ही चारों तरफ जनता में यही आवाज गूंज उठ रही थी कि इस बार भीम सिंह पवार होंगे बड़नगर के हमारे मतदार। आपको बता दें कि चुनाव की शंखनाद शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने, इसको लेकर प्रदेश मुखिया हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। हर प्रकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया जनता के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं। बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार भीम सिंह पवार ने अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। भीम सिंह पवार का कहना है कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस बार जनता ने मुझे कहा है कि आप पूरी तैयारी करो, इसलिए मैं उम्मीदवार के लिए तैयारी कर रहा हूं। आगे पार्टी जो भी हो निर्णय करेगी, मैं उसके लिए प्रयास रहूंगा। अपनी पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं विधानसभा बड़नगर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराकर फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 20 सालों के अंदर जो विकास किया है, वो इस विकास यात्रा को लेकर के जनदर्शन, जनता के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे बड़नगर में आगमन हो रहा है। जो जनता का उत्साह है, इतने दिनों के काम है, जितने भी रोड है, योजना है, बनाई उन योजनाओं को केवल लागू करा है, तो इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो जनता में उत्साह है। हम लोग सब लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रदेश को अंधेरे से मुक्त किया, उन्होंने इस प्रदेश को गड्ढे से मुक्त किया, उन्होंने इस प्रदेश को मतलब बिजली, पानी, सड़क सारी चीज़ों से हमें पहले त्रस्त थे और मस्त कर दिया हमको, इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस बार आप भी विधानसभा में उम्मीदवार के लिए लगे हुए हैं, क्या जनता की राय और किस प्रकार से आगे गतिविधि करेंगे? देखो, विधानसभा लगना ये अलग बात है, जनता की राय अलग बात है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी तय करती है, हम वो पार्टी का सिंबल जिनको मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। जनता के या कोई कार्यकर्ता कहे वो उनकी बात है, लेकिन जो हमारी पार्टी तय करेगी, हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो चुनाव समिति जो बैठ कर के तय करती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में वही होता है। हम उनके साथ में रहेंगे और चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताएंगे। क्या नाम? भूम सिंह पवार। मेरा गाँव रूपायड़ा इंगोरिया के पास में है, बड़नगर में। मैंने भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से काम किया है। मैं स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लगा करके मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष से लगा करके सारे पदों पर मैंने काम किया। काम करते हुए मैंने गांव-गांव, घर-घर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिला और जनता से मिलकर के उनको योजनाओं का लाभ दिला करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी की योजना हमने घर घर तक पहुंचाने का काम किया।